हरिओम, मैं मानव बुद्ध देव सभी सनातन संस्कृति प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। सनातन संस्था व हिंदू जनजागृति समिति, ये दो बहुत ही महान ऐसे संस्था व संगठन है। हमेशा सत्य के साथ खड़े रहना और अन्याय, अधर्म व अनीति का पुरजोर विरोध करना, ये कार्य है हिंदू जनजागृति समिति का। और लोगों को ईश्वर की ओर चलने के लिए प्रेरित करना, ईश्वर प्राप्ति का महत्व समझाकर उसके लिए साधना सिखाना, यह कार्य है सनातन संस्था का। अभी एक सप्ताह पहले 26 मार्च को सनातन संस्था व हिंदू जनजागृति समिति के साधक व कार्यकर्ताओं ने मेरे घर आकर मेरा सत्कार किया। मित्रों, धर्म व संस्कृति के लिए छोटे से छोटा कार्य भी उनको सत्कार योग्य लगता है। उन्होंने मेरी बहुत 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 ही छोटी सेवा के लिए मेरा सत्कार किया। और आज 3 अप्रैल को दैनिक सनातन प्रभात में मेरे सत्कार के विस्तृत समाचार भी प्रकाशित किए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेरा परिचय पूज्य गुरुदेव के शिष्य के रूप में देता है। दैनिक सनातन प्रभात में भी छपी मेरे सत्कार की खबर में श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू का नाम विशेष रूप से लिया है। दैनिक सनातन प्रभात ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। ऑनलाइन न्यूज की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है और उन वीडियो की लिंक्स भी दी है जिसके लिए मेरा सत्कार किया गया। सनातन संस्था द्वारा कोरोना काल शुरू हुआ तब से ऑनलाइन सत्संग, धर्म जागृति के विभिन्न कार्यक्रम, धर्म सभा आदि सब हर रोज कई कार्यक्रम ऑनलाइन उनके यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज से लाइव चल रहे हैं। उसको एक वर्ष पूर्ण हुआ तो संस्था द्वारा 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कृतज्ञता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ऑनलाइन कार्यक्रम में जिनका सहयोग मिला उन सभी का सम्मान किया जा रहा है। मित्रों, मैंने केवल उनके कुछ कार्यक्रमों का अपने इसी YouTube चैनल से लाइव प्रसारण किया था। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप अपने चैनल से भी इसका प्रसारण कीजिए। देखिए मित्रों, ये भी उनकी महानता है। उनके अपने चैनल से हजारों लोग देखते हैं, फिर भी केवल और केवल इस उद्देश्य से कि सनातन धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो, इसी एक उद्देश्य से उन्होंने मेरे चैनल से भी लाइव करने के लिए कहा था और वो मैंने किया। तो इसमें ऐसा कौन सा परिश्रम करना पड़ा मुझे या कोई त्याग ही करना पड़ा कि मेरा सत्कार किया जाए? कुछ भी नहीं मित्रों। किंतु सनातन संस्था की ये महानता है कि धर्म व संस्कृति की छोटे से छोटी सेवा करने वालों का भी बड़े से बड़ा सम्मान करते हैं वे। हाल ही में मेरा एक छंद महान सनातन संस्था, ये दैनिक सनातन प्रभात में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद दूसरे वीडियो में वो छंद मैं आपको सुनाऊंगा। महान सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति के अमरावती जिला समन्वयक नीलेश टोलारे जी, सनातन संस्था की श्रीमती विभा चौधरी जी, जिनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी है, आदि चारों सज्जनों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने समय निकालकर मेरे घर आकर मेरा सम्मान किया। और विशेष रूप से मैं मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
सनातन संस्था व हिंदू जन जागृति समिति के प्रति, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हृदय से मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मेरी बहुत बहुत ही छोटी सेवा के लिए मेरा सत्कार करके मुझे प्रोत्साहित किया। और आप सभी का भी मित्रों मैं आभारी हूँ, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।